मैंने तुमसे माफी मांगी ही कब थी? किसी भी उठाए हुए कदम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। ताकत की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। एक्शन। क्यों? याना तौबा तौबा आगे बढ़ा, जाग गया, सबको भस्म करने वाला जाग गया भांजी। यहाँ से आगे आगे बढ़ते आई मामा, बालवीर के अंत की शुरुआत हो गई है। इतने सालों तक जिस साय से तुम्हें बचाए रखा, आज उसी का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। माफी मांगी ही कब थी कि तुम मुझे माफ करोगे भास्कर? मेरे किसी भी उठाए हुए कदम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे उठाए हुए किसी कदम या किसी भी कदम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम मेरे नफरत के लायक थे और लायक हो। सो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी लंबा सीन है, हम सुबह से इसी एक ही सीन को शूट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है इस सीन में। जैसे मेरे पिताजी का किरदार है भस्म का, तो वो आ चुके हैं और साथ ही साथ मेरी माँ है बेनाम, वो भी मेरे साथ है। तो यहाँ पे एक पूरा क्या कहते हैं, एक फैमिली ड्रामा भी है। साथ ही साथ आगिल भी वहाँ पर है जो बालवीर को रोकना चाहती है, भस्म है वो बालवीर को मारना चाहते हैं, लेकिन बालवीर भी उनसे बचकर उन्हें कहीं ना कहीं परिवर्तन करके उन्हें वापस अच्छा बनाना चाहता है। तो यही एक बालवीर के माइंड में चल रहा है कि कैसे वो अपने पिताजी पर वार करे, कैसे वो अपनी माँ को बचाए। सो इट्स अ वेरी डिलेमा फॉर बालवीर। तो कैसे इसमें से बालवीर निकलेगा, एंड यही सीन देख रहे हैं कि आप कैसे बालवीर उन पर वार करता है लेकिन वो बच जाते हैं और आगिल उन्हें बचाती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीन और बहुत मज़ा आ रहा है हमें ये सीन शूट कर। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि आपके इसी हाथ के साथ अपना हाथ मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगर ट्रैक पे चलो हाथ मिलाने से, क्योंकि आपके इसी हाथ के साथ अपना हाथ मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। नहीं बालवीर, बालवीर ये तुम क्या कह रहे हो? भस्म सिर्फ तबाही मचा सकता है। छोड़ दो बालवीर को, ताकत की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। दुनिया को तबाह करते करते आज तुम अपने ही बेटे की जान लेना चाह रहे हो। मेरे बालवीर की ये मैं होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी तुम बालवीर को कुछ नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स भस्म का काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल विलन है, तो उन्हें मारने के लिए, उन्हें रोकने के लिए काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ता है बालवीर को। तो उसमें से एक शस्त्र भी है जिसका इस्तेमाल करके ही भस्म को मारा जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल बालवीर करता है लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है बालवीर से, वो कैसे उसे सुधारेगा और वापस जब शाशवान लोग जाएगा तो क्या महामहिम उत्तान उसे सही रास्ता दिखा पाएंगे, यही आपको आने वाले एपिसोड्स में बालवीर में देखने को मिलेगा।